महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव में किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, इसे लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इस पर शरद पवार गुट ने एक चौंकाने वाला दावा किया। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता और विधायक रोहित पवार ने इस पर बड़ा दावा किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक इंटरनल सोर्स के अनुसार हाल ही में बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे आया है। इसी सर्वे में अजीत पवार गुट को 7 से 11 सीटें, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को 17 से 12 सीटें और बीजेपी को 62 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस चुनाव में किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, इसे लेकर कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। इस पर शरद पवार गुट ने एक चौंकाने वाला दावा किया। शरद पवार गुट के एनसीपी नेता और विधायक रोहित पवार ने इस पर बड़ा दावा किया। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि एक इंटरनल सोर्स के अनुसार हाल ही में बीजेपी का एक आंतरिक सर्वे आया है। इसी सर्वे में अजीत पवार गुट को 7 से 11 सीटें, एकनाथ शिंदे गुट शिवसेना को 17 से 12 सीटें और बीजेपी को 62 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है।